एपिसोड के स्टार्ट में ही इज़ुमी की मॉम कहती है, यू उठ जाओ। इज़ुमी की मॉम कहती है, अलार्म क्लॉक बजा क्यों नहीं, वो देर से उठा है, क्या वो पहुंच पाएगा। तो उसके डैड कहते हैं कि टेंशन मत लो, वो पहुंच जाएगा। इज़ुमी की मॉम कहती है, और इज़ुमी बहुत तेज भाग रहा होता है। तभी उसके सामने साइकिल पर एक भैया आ जाता है, तो इज़ुमी तो घास में कूद जाता है और वो बंदा कहता है, और इज़ुमी के पास आके कहता है, इज़ुमी तुम ठीक तो? इज़ुमी कहता है, वैसे हूँ तो नहीं। और उसकी टीचर कहती है, क्या हो तुम अपने आप को मारते रहते हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो इज़ुमी कहता है, कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और इतने में उसके दोस्त आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे हैं? तो इज़ुमी कहता है, वैसे मैं बैठ लगूँ, तुम्हें पता तो है। फिर वो कहते हैं, कोई नहीं तुम आ जाना। तो इज़ुमी उनके साथ चल रहा होता है। तभी एक आंट बोलती है कि बच्चों ज़रा संभल के रहना, माफ़ करना, गिर गया था। तो एक टेडी बेयर गिर जाता है बहुत बड़ा। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि इससे नेक भी टूट सकता था। तो इज़ुमी कहता है, क्या ये अनलक्की था। तो उसकी मॉम फोन में लाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो। तो इतने में इज़ुमी खड़ा होता है टेम्पल के यहाँ और कहता है, हे गॉड, क्या मैं ये हूँ जो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा दर्द में रहता है? क्या मैं स्ट्रांग बन पाऊँगा? कोई बंदा मेरे पास भेजोगे? इतने में शिकीमोरी मुँह बना रही होती है। शिकीमोरी कहती है कि मैंने तुम्हें अपने साथ आने को नहीं बोला था। तो शिकीमोरी का भाई कहता है, आज मेरे पास कोई काम नहीं है। शिकीमोरी कहती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्या लेना है। तो उसका भाई उसके बाल पकड़ता है और कहता है, हे। शिकीमोरी उसके हाथ पे हाथ मारती है और कहती है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। तभी वो कहता है, तुम्हें इससे दिक्कत हुई क्या? वो कहती है, तुमने मुझे बच्चा कैसे बोला? वो कहता है, चलो छोड़ो, तुम ज़्यादा बुरा मान गई थी। तो शिकीमोरी कहती है, तुम्हारे ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं। तो शिकीमोरी अपनी ड्रेस देख रही होती है, तो वो दो ड्रेस उठाती है। तो सोचती है कि इज़ुमी का कौन सा अच्छा लगेगा। तो शिकीमोरी कहती है, ये मेरा पहला डेट होगा। और तभी दिखाया जाता है इज़ुमी और शिकीमोरी पैदल चलते हुए जब बात कर रहे थे, हाँ, बुक लाइब्रेरी के वक्त। तो इज़ुमी से शिकीमोरी पूछती है कि तुम्हें फेस्टिवल में कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इज़ुमी कहता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो शिकीमोरी कहती है, कुछ बुरा सोच रहे हो क्या? तो इज़ुमी कहता है, तुम ज़रा ये वीडियो देखो। तो शिकीमोरी उसके पास आके वीडियो देखती है। हाँ, वो वीडियो फेस्टिवल में कुछ लोग घूम रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं। और शिकीमोरी ये वीडियो अच्छे से देख ही रही होती है कि एक सीन आता है और शिकीमोरी कहती है, क्या? इज़ुमी कहता है, कोई दिक्कत हुई क्या? तो शिकीमोरी कहती है, लगता है तुम्हें ऐसी चीज़ें इंटरेस्टेड है। तभी शिकीमोरी बैठी हुई होती है, कहती है, कौन सा ड्रेस लूँ? और वो परेशान होकर बाहर आ जाती है। फिर बाहर और जैसे ही देखती है तो वो कहती है, क्या? और दो लड़कियाँ उसके भाई को परेशान कर रही होती है। तो उसका भाई उन लड़कियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है और परेशान होता है। शिकीमोरी कहती है, वहाँ चल क्या रहा है? तो शिकीमोरी वहाँ बीच में आती है और अपने भाई को खींचती है। वो लड़कियाँ कहती है, तुम कौन हो? तो शिकीमोरी उनकी तरफ देखती है और उनसे कहती है, माफ़ करना ज़रा। तो वो दोनों लड़कियाँ कहती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है क्या? काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तो शिकीमोरी का भाई कहता है, कितने ज़्यादा शर्मिंदाक बात है, मेरी बहन को मेरा हाथ पकड़ना चाहिए, बल्कि मेरी बहन मेरे को जमानत की तरह छुड़ा के लाई है। तो शिकीमोरी कहती है, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा शर्मीले हो। तो शिकीमोरी कहती है, क्या तुम अब मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहोगे? तुम्हें इसकी ज़रूरत है? तो शिकीमोरी का भाई कहता है, चुप हो जाओ, मेरे को इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगले सीन में दिखाया जाता है शिकीमोरी का पास्ट होता है। और हाँ, शिकीमोरी कराटे की प्रैक्टिस करके आती है और उसका भाई कहता है कि तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करते रहना चाहिए। और इतने में उसके दोस्त आवाज़ लगाते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम अभी अभी आई हो और बहुत अच्छी कोशिश कर पा रही हो, क्या तुम मेरे साथ भी कोशिश करोगे? और इतने में शिकीमोरी खाना खाते हुए कहती है, मॉम ये जल चुका है। तो उसका भाई इस बात से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और खाना खाने लग जाता है। तो शिकीमोरी भी खाना खाने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है, क्या वो कराटे के लिए जाएगी हैं? और वैसे उसने करना क्या है? तो शिकीमोरी कहती है कि मैं और ज़्यादा दोस्त बनाऊंगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और शिकीमोरी की मॉम कहती है, अच्छा तो तुम बढ़िया कोशिश करना। और इसी के साथ दो लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और शिकीमोरी उसे पकड़ती है और शिकीमोरी कहती है, हे, ऐसे करने की कोशिश मत करो। तो वो लड़के डर जाते हैं, वो कहते हैं, ये तो कराटे गर्ल है, वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो लड़की शिकीमोरी को शुक्रिया कहती है और शिकीमोरी थोड़ा स्टाइल मार के अपना इम्प्रेशन दिखाती है।
और वो दोनों लड़कियां फिर से उसका मैच देख रही होती है। तो शिकीमोरी तैयार होती है और अपोनेंट में उसका भाई होता है और एक ही पंच मारता है उसका भाई और बीच में ही रुक जाता है और शिकीमोरी से कहता है कि तुम हार चुकी हो, तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, हारना अच्छी बात नहीं होती। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है शिकीमोरी और उसका भाई अम्ब्रेला लेके चल रहे होते हैं। शिकीमोरी का भाई कहता है कि मैं कराटे छोड़ने वाला हूँ, तो शिकीमोरी कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो उसका भाई कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो। तो शिकीमोरी कहती है, शिकीमोरी का भाई कहता है कि तुम्हें मेरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी, मेरी मॉम जैसा भी है, तुम अपनी चॉइस खुद पसंद करो। और शिकीमोरी बीच में खड़ी होती है। इतने में शिकीमोरी क्लास में बैठी होती है तो उसकी दोस्त आती है, कहती है तुम आजकल करती क्या हो। तो शिकीमोरी कहती है कि मैं अपने भाई की कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ। तो शिकीमोरी की दोस्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है क्या तुम मांगास पढ़ती हो। तो शिकीमोरी बेड में बैठी होती है और मांगा पढ़ रही होती है, तो वो देखती है कि एक लड़की और लड़के की हब कर लेते हैं एक दूसरे को। तो शिकीमोरी ये बात देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और वो उसे इतना गौर से देखने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, बेड पर बैठ जाती है और कहती है कि लव इनक्रेडिबल होता है। और इसी के साथ उसके कराटे की प्रैक्टिस दिखाई जाती है, वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार होती है और वो कहती है चलो हाई स्कूल आने वाला है, अब मैं कराटे छोड़ सकती हूँ। और इसी के साथ वो कहती है चलो मैं वो ढूंढूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। वो कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट गर्ल बनना है और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बॉय भी तो देखना है। और हाँ, वो ऐसी कहती है और वो बाल पा के तैयार होती है और थोड़ी वार्म अप भी करती है और उसकी मॉम उसे एक ड्रेस देती है। तो शिकीमोरी उसे लेके खुश होती है और स्कूल में आ जाती है और स्कूल में आके देखती है कि सामने इज़ुमी होता है। इज़ुमी को पास आके वो कहती है हुआ क्या, तो वो देखती है कि ऊपर एक टिकट लगा हुआ होता है। तो इज़ुमी उन अंकल से कहता है क्या आपको वो सही में चाहिए। तो इज़ुमी से वो अंकल कहते हैं अगर तुम मेरे लिए वो ले आओ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इज़ुमी कहता है क्या मैं ऊपर वहाँ जा पाऊँगा। तभी शिकीमोरी उसकी तरफ देख के कहती है चलो तुम इसे पकड़ लो। शिकीमोरी ऊपर जाने की कोशिश कर लेती है, इतने में इज़ुमी कहता है ये तुम वहाँ मत जाओ, तुम क्या सही में जाने वाली हो। तो शिकीमोरी कहती है मैं आराम से चली जाऊँगी और ऊपर चढ़ जाती है। तो इज़ुमी कहता है लगता है इसने मेरी सुनी नहीं, और शिकीमोरी उसी के साथ वो टिकट पकड़ लेती है और नीचे आती है और इज़ुमी को वो टिकट देती है और इज़ुमी थैंक यू बोलता है। तो शिकीमोरी कहती है नो प्रॉब्लम, और इज़ुमी शिकीमोरी से कहता है कि तुम्हें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हुई, तुमने बड़े आसानी से कर लिया। तो शिकीमोरी मन में जाते हुए सोच रही होती है कि वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करता होगा, और इज़ुमी उस टिकट को लेकर खुश होता है। और तभी अगला सीन दिखाया जाता है, स्कोर बोर्ड की तरफ लोग देख रहे होते हैं, तभी इज़ुमी और शिकीमोरी फिर से टकर जाते हैं। तभी इज़ुमी कहते हैं मैंने तुम्हें देखा है। तो शिकीमोरी कहती है ओ हाई स्कूल के बाहर ही है, मुझे फिर से मिल गया। तभी शिकीमोरी कहती है मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई। तो इज़ुमी कहता है कि मुझे उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और उसी के साथ इज़ुमी कहता है कि तुमने मेरा दिन भी बचाया, अगर मैं चढ़ता तो मेरा लेग टूट सकता था, मेरे साथ वैसे भी बैड लक होता रहता है। तो शिकीमोरी कहती है उस समय मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने तुम्हारी मदद की। तो इज़ुमी कहता है कि मैं तुम्हें फिर भी देखना चाहता हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तो इतने में वो शर्मा जाते हैं और शिकीमोरी कहती है क्या वो स्माइल कर रहा है, मेरे को देख के उसे अच्छा लगा। तो शिकीमोरी उसे पकड़ती है, मतलब हाँ इज़ुमी बच के बाहर का होता है ये कह के। तो शिकीमोरी उसे पकड़ती है और कहती है हे तुम्हारा नाम क्या है। तो इज़ुमी अपना नाम बताता है इज़ुमी। हाँ इज़ुमी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए नाम बोलता है। और ये सारा स्टोरी लाइन पास्ट का था, तो प्रेजेंट में शिकीमोरी से उसका भाई कहता है तुम ज़रा भी क्यूट नहीं हो तुम्हें पता है। तो शिकीमोरी कहती है चुप हो जाओ। तो उसका भाई कहता है वैसे तुम खरीदने क्या आई थी। तो शिकीमोरी कहती है मुझे नहीं पता। शिकीमोरी का भाई कहता है तो फिर तुम यहाँ आई क्यों थी। तो शिकीमोरी कहती है तुम यहाँ पे हो तो मैं कुछ नहीं ले सकती। तो शिकीमोरी का भाई कहता है अच्छा तो तुम कपड़े इसलिए नहीं ले सकती, तो अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मतलब तुम्हारा काम आसान हो जाता। तो शिकीमोरी कहती है क्या। और इसी के साथ उसका भाई कहता है क्या तुम्हें कपड़े लेने में दिक्कत हो रही है। तो शिकीमोरी कहती है मेरी मॉम मुझे हमेशा बता देती है। तो शिकीमोरी का भाई कहता है ओहो बेबी को कपड़े बताने पड़ेंगे कौन से ले रहे हैं। तो शिकीमोरी कहती है चुप हो जाओ।
शिकीमोरी एक लिपस्टिक को उठाती है और कहती है, ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो उसका भाई कहता है, क्या तुम ये लगाने वाली हो? तो शिकीमोरी कहती है, कभी कभार। तो उसका भाई कहता है, तुम इतनी बुढ़ी हो चुकी हो? तो शिकीमोरी कहती है, मैं 17 की हूँ। तो शिकीमोरी कहती है, इसे पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शिकीमोरी का भाई तभी एक लिपस्टिक उठाता है और कहता है, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? और तभी एक सीन शिफ्ट होता है और शिकीमोरी का भाई कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। शिकीमोरी कहती है, क्या? और तभी शिकीमोरी बैठी होती है और फोन उठाती है और फिर से इज़ुमी वाला वीडियो क्लिक हो जाता है। तो शिकीमोरी फिर से वो वीडियो देख लेती है और फिर से शर्मा जाती है। फिर कहती है, चलो मुझे कपड़े पहन लेने चाहिए। और तभी वो आती है डाइनिंग रूम में और देखती है कि सामने लिपस्टिक पड़ी होती है। तो शिकीमोरी को याद आता है कि उसके भाई ने जब बोला था कि मैं वॉशरूम हो गया, तो इतने में शिकीमोरी को याद आता है। तो शिकीमोरी कहती है, ठीक है। तो शिकीमोरी कहती है, चलो मैं बढ़िया कोशिश करूंगी। और इतने में उसकी मम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोट लेके खड़ी हूँ, जल्दी आओ। तो शिकीमोरी का भाई कहता है कि चलो मेरा काम खत्म हो गया। और एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो देख के कैसा लगा बताना लाइक करके। और इसी के साथ कम्युनिटी मिलने वाला है तो करो यार सब्सक्राइब। क्या कर रहे हो?